नहीं सर, मैं हूं मोहन। सॉरी, मैंने समझा मेरा असिस्टेंट विजय होगा। क्या नाम बताया तुमने अपना? मोहन। मोहन, क्या हम पहले भी कभी मिल चुके हैं? सर, आप मुझे नहीं जानते सर, लेकिन मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूं। मेरे बारे में कैसे? सर, आपका भतीजा अमरीश, वो मेरा क्लास फेलो था। ओ सर, उसने मुझे बताया कि आप काला जादू, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री सब जानते हैं। हाँ, ये विद्या मैंने बहुत तपस्या के बाद पाई है, जाने किस किस देश में भटका हूं। सर, सर मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? सर, मैं अपना भविष्य जानना चाहता हूँ, माई इमीडिएट फ्यूचर। क्यों? सर, मैं एक क्रिकेटर हूँ, अकल सिलेक्शन के लिए जा रहा हूँ। अच्छा। सर, नेशनल टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी की जगह है, और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। वो मेरी राय मानो तो इन सब फजूल चीजों में पढ़ने के बजाय सिलेक्शन कैंप की तैयारी करो, प्रैक्टिस करो। सर, मुझे अब और प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है सर, आई नो दैट आई एम द बेस्ट। इफ यू आर द बेस्ट, तो फिर प्रॉब्लम किस बात की? सर, प्रॉब्लम है सर, 10 खिलाड़ी इस जगह के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे डर सिर्फ एक आदमी का है सर। कौन है वो? सुमित, वो भी मेरी तरह एक अच्छा खिलाड़ी है। मुझे डर है कहीं मेरी जगह उसको ना चुन लिया जाए, इसलिए मैं अपना भविष्य जानना चाहता हूँ। भविष्य जानने से कुछ नहीं होगा। सर, मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ सर। सुमित एक अमीर बाप का बेटा है, उसका बाप पैसे के बल पे कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी। ये मेरे लिए आखिरी मौका है सर। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, अगर नहीं हुआ तो मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। सिलेक्शन कैंप में जाने से पहले ही मैं नर्वस हो रहा हूँ सर। कल मुझे जाना है और आज मेरे पसीने छूट रहे हैं सर। देखिए मेरी क्या हालत हो रही है, मैं पसीने से बेहाल हो रहा हूँ सर। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक शर्त। क्या? मैं तुम्हारा भविष्य बता तो दूंगा, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो तुम मुझे उसे बदलने के लिए मजबूर नहीं करोगे। ठीक है। अच्छा बताओ, कौन से तरीके से अपना भविष्य जानना चाहोगे? सीएंस के जरिए, जिसमें किसी आत्मा को बुलाकर उससे भविष्य के बारे में पूछा जाता है, या फिर पामिस्ट्री, या फिर टैरट कार्ड्स के जरिए, बताओ। मेरे ख्याल से टैरट कार्ड ठीक रहेंगे। अच्छी चॉइस है, उसे लेते हैं और इससे पता भी फौरन चलता है। जो तुम जानना चाहते हो वो सवाल पूछो और इसमें से 3 कार्ड उठाओ। क्या है इसमें? इसका मतलब तुम्हें खतरा है किसी एक आदमी से। सुमित, सुमित से मुझे खतरा है। दूसरा कार्ड उठाओ। अजीब ढंग से तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तीसरा कार्ड उठाओ। दुर्भाग्य, बैड लक। मतलब? आई एम सॉरी, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरा भविष्य बदल दीजिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप कुछ भी कीजिए, मेरे करियर का सवाल है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। आप कुछ भी कीजिए, आप किसी आत्मा को बुलाइए, या फिर काला जादू कीजिए, या फिर वुडू कीजिए। जानते
जानते नहीं, उसका नाम भी अपनी जुबान पे मत लाओ। वुडू कोई खेल नहीं है, बहुत खतरनाक विद्या है। मुझे नहीं मालूम कि वुडू क्या है, लेकिन मैं बताऊंगा तुम्हें वुडू क्या है और उसे सीखने के लिए मुझे क्या क्या सहन करना पड़ा है। इस विद्या को सीखने की इच्छा मुझे अफ्रीका के भयानक जंगलों में ले गई। वहां मेरी मुलाकात एक कबीले के सरदार से हुई जो वुडू का माहिर था। 4 साल तक उसने मुझे वुडू सिखाया और एक दिन उसने मुझे बुलाया और कहा, बचा लो मुझे इस राक्षस से, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो चीख आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। सरदार, उसकी भयंकर हंसी, उसे याद करके मेरा रोम रोम आज भी कांप उठता है। उस घटना के बाद अफ्रीका से भाग गया और मैंने तय किया कि वुडू का कभी नाम भी नहीं लूंगा। और तुम चाहते हो कि तुम्हारे सिलेक्शन के लिए मैं वुडू का इस्तेमाल करूं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। प्लीज, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर आपने इनकार कर दिया तो मैं आपसे एक वादा करता हूँ। क्या? आप तो जानते हैं कि क्रिकेट स्टार्स कितना पैसा कमाते हैं। स्पॉन्सरशिप, टीवी एड्स, डील्स, प्राइज मनी। तो अगर आपने मेरा सिलेक्शन करा दिया तो मैं जितना भी कमाऊंगा उसका आधा आपको दे दूंगा। तो मुझे पैसों का लालच दे रहे हो? रिश्वत दे रहे हो? ठीक है, आप मेरी मदद नहीं कर रहे ना? कोई बात नहीं, देखिएगा मैं किसी न किसी तरह टीम में अपना सिलेक्शन करा के रहूंगा। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। विजय, तुम? सॉरी सर, मैंने आप लोगों की बातें सुनी। कौन था ये लड़का? क्रिकेटर है मोहन, मेरे पास आया था नेशनल टीम में अपना सिलेक्शन करवाने वुडू के जरिए। मुझे रिश्वत दे रहा था, बेवकूफ कहीं का। आपको पैसों की जरूरत नहीं है,
लेकिन मुझे है, आखिर मैं आपका असिस्टेंट हूं, मैं उसकी मदद करूंगा, जरूर करूंगा। देखता हूं यह समित किस चिड़िया का नाम है। सुमित, बेटा सुमित। यस डैड, कम इन। सॉरी डैड, मैं तैयारी कर रहा था, कल सुबह ही जाना है क्रिकेट सिलेक्शन कैंप में। तुम्हें क्या लगता है कि इस बार टीम में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? 100% डैड। लेकिन मैंने सुना है वो एक और लड़का है मोहन। उसकी फिक्र मत करिए डैड, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे तो पता चला है कि तुम दोनों में बराबर की टक्कर है। अगर तुम चाहो तो मैं किसी को टेलीफोन करूं। इसकी जरूरत नहीं डैड, मैंने सब कुछ कर लिया है। अगर सिलेक्शन किसी का होगा तो वो मेरा होगा। भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती सुमित, कि तुमने क्रिकेटर बनने का ही क्यों सोचा, जबकि हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, तुम उसे भी तो संभाल सकते हो। डैडी फिर से ये मत शुरू करिए, आप जानते हैं कि बिजनेस करना मेरी बस की बात नहीं है। मैं तो क्रिकेटर बनूंगा, और वो भी टॉप का क्रिकेटर। आई होप सो माय सन, ऑल द बेस्ट। कीर्ति हो गया, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता है, बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है डैड। कैंप में मेरे साथ जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा घर पे बुला लूं ताकि हम सुबह साथ निकले। आई जस्ट स्पीक। दिस इज कीर्ति। हेलो अंकल। हेलो बेटा। क्यों सुमित, तेरी सारी तैयारी होगी? मेरी हो गई, तू अपनी बोल। अंकल मेरी भी, मैंने जरूरत की सारी चीजें इसके बैग में रखी हुई, पकड़। ये देख, ये देख, ये ग्लव्स, ये गार्ड, ये बैट, और हाँ, फ्री टाइम में पढ़ने के लिए मैंने किताब भी रखी हुई है। काला जादू। हेलो, मैं विजय बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने सब तैयारी कर ली है। हाँ हाँ हाँ, इससे काम बन जाएगा, डोंट वरी, मैं तुम्हें कल पुणे में मिलता हूँ। अरे हाँ सुनो, मुझे कमीज के कपड़े का एक टुकड़ा चाहिए होगा। ठीक है, कल जब तुम लोग मैदान में खेल रहे होगे तब मैं बैग में से निकाल लूंगा। अरे मेरी फिक्र मत करो, मैं किसी भी तरीके से अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, ओके, तो कल मैं तुम्हें सिलेक्शन कैंप में मिलता हूँ। बॉयज, वेलकम टू पूना एंड दिस ट्रेनिंग कैंप। इनसे मिलिए। ये है डॉक्टर गुस्टाइड, हमारे फिजिशियन। फिजिकल फिटनेस के बारे में आप इनसे बात कर सकते हैं। और ये है मिस्टर आचरेकर, मिस्टर शर्मा। ये लोग आपका परफॉर्मेंस देखेंगे और आप लोगों का सिलेक्शन भी यही लोग करेंगे। हेलो, वेल बॉयज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के इस कैंप में ए टीम का सिलेक्शन होगा, जो कि खेलने के लिए विदेश जाएगी। इसके अलावा हमें एक अच्छे बैट्समैन की जरूरत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी नेशनल टीम विदेश खेलने के लिए गई हुई है और उसके 3 खिलाड़ी जख्मी होने की वजह से वापस लौट आए हैं। 2 का रिप्लेसमेंट तो हम कर चुके हैं, अब हमें एक ऐसे अच्छे बैट्समैन की जरूरत है जो फॉरेन पिच पर नए बॉल के साथ अच्छी तरह खेल सके, जिसका एक अच्छा फील्डर होना भी बहुत जरूरी है। ये कैंप आप सब लोगों के लिए एक सुनहरी मौका है अपनी काबिलियत दिखाने की। एंड आई होप यू विल ऑल डू योर लेवल बेस्ट। मैं वादा करता हूं सर, मैं आपको अच्छी बैटिंग करने दूंगा। गुड, वेरी गुड। अब आप सब लोग अपने अपने कमरों में जाके आराम कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कल से 3 दिन तक आपको कोई आराम नहीं मिलेगा। खेल और बस सिर्फ खेल ही होगा। गुड लक एंड डिस्पर्स। ये लड़का शायद सुमित है। जी हाँ, बहुत अच्छा बैट्समैन, इसका खेल आप खास तौर से देखिए। इसकी बातों में आत्मविश्वास लगता है, इज वेरी कॉन्फिडेंट। ठहरिए, मैं ही उसे आपसे मिलवाता हूँ। सुमित। यस सर। इधर आओ। मिस्टर शर्मा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। हेलो। यार मेरा मूड खराब हो गया, वो मोहन मेरे कमरे में ही रहने वाला है, अब 3 दिनों तक मुझे उसे झेलना पड़ेगा। अच्छा हुआ मेरे कमरे में नहीं आया, वरना 3 दिनों तक मेरे कमरे में 100 ओवर चलते। अरे चुपचाप क्यों छक्के लगते। कुछ लोगों को चमचागिरी करने की बहुत आदत होती है। तुमने
मुझसे कुछ कहा? तू क्या समझता है उस शर्मा को मक्खन लगाने से तेरा सिलेक्शन हो जाएगा? देख, मैं नहीं गया था उनके पास, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो वैसे तू क्यों चल रहा है? छोड़ो ना यार, तुम लोग भी आपस में कहाँ उलझ रहे हो? चल घर से चल। ले जा ले जा साला, बाप के पैसे के बल पे यहाँ तक पहुँच गया, वरना तू गुल्ली डंडा खेलने के लायक भी नहीं है, समझा? क्या बोला? बाप का नाम लेता है? अंदर जा रहा हूँ। अंदर? बाहर के आदमी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मैं पत्रकार हूँ, क्रिकेट मंथली मैगजीन का जर्नलिस्ट हूँ। मैगजीन से? हाँ। लेकिन अंदर गावस्कर या तेंदुलकर कोई भी नहीं है। अरे गावस्कर तेंदुलकर ना सही, लेकिन कल का गावस्कर तेंदुलकर तो तैयार हो रहा है ना। कल का तेंदुलकर तैयार हो रहा है? हाँ मोहन। हाँ। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसी ने मुझे यहाँ बुलाया है। टीम में जिस एक प्लेयर का सिलेक्शन होना है वो यही है। कमाल है, अब तक टीम में चुने नहीं गए, पत्रकार को पहले बुला लिया। हाँ, इसे अपने ऊपर बहुत भरोसा है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, तुम देखना इसका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, आपके दोस्त है ना। हाँ तो फिर जाइए। थैंक यू। क्या प्रॉब्लम है? क्रिकेट गाइस के पास कुछ ढूंढा था, कह रहा है बेस्ट फोटोग्राफर है और इसकी फिल्म नहीं गिर गई। बेस्ट फोटोग्राफर है यार, फोटो वोटो लो ना यार कुछ। श्योर श्योर। अगर तुम लोग भाई बड़े क्रिकेटर बनने वाले हो, प्रेस वालों से अच्छे रिलेशन रखो। हां हां, फोटो ले लेना। श्योर। थैंक्स बॉस। थैंक्स टू यू। थैंक्स। यस सर। ओके बॉस, सी यू देन। सी बाय। शॉट भी अच्छा था, लेकिन इसका उससे भी ज्यादा अच्छा था।
पता नहीं यार क्या हुआ। क्या हुआ है? क्या हुआ? पता नहीं किसी ने मेरी टांग खींची सर। शायद तेरे इंपोर्टेड जूते देसी मिट्टी में फिसल गए होंगे साले। ध्यान खेल में बिल्कुल भी नहीं। लाओ जरा देखो। हो गई छुट्टी तुम्हारी आज की प्रैक्टिस तो खत्म। जाके आराम करो। सर आप अच्छी तरह जानते हैं कि इससे पहले भी मैंने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। सब मेरा गेम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो सुमित, बीती बातों को तुम बिल्कुल भूल जाओ। आज की बात करो, आज की। आज तुम लोग किस तरह खेल रहे हो उस दम पर तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। इसलिए कल अपने खेल में पूरी जान लगा देना। कोशिश तो मैंने आज भी की थी अच्छा खेलने की, लेकिन अचानक मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मेरी बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा है। कोई और? जी सर। सब पहली बॉल पर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ कर खींचा है। ऐसा नहीं हो सकता। और सर जिस वक्त मेरे सर पर चोट लगी उस वक्त मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा सर पकड़ कर जबरदस्ती मोड़ दिया हो। सुमित तुम बहानेबाजी क्यों कर रहे हो? एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि खेल में तुम्हारा ध्यान था ही? सर मैं अब आपको कैसे समझाऊं? शायद टेंशन की वजह से तुम्हारा गेम खराब हो रहा है। कीर्ति ये कौन सी किताब पढ़ रहे थे? काले जादू की किताब। मुझे इसे पढ़ने में बहुत मजा आता है। इस किताब में दुनिया भर के जादू टोने की कहानियां हैं। तू इन चीजों पर विश्वास करता है? ऑफ कोर्स। मुझे याद है मेरे डैडी के गांव का सरपंच जादू टोनों की वजह से ही इलेक्शन हार गया। वो कैसे? उसका खून उसके दरवाजे के सामने डाल दिया। दूसरे दिन सवेरे जब वो सरपंच खेत जाने के लिए घर से बाहर निकला तो उसका पैर उस मुर्गे के खून पर पड़ गया। बस फिर वो इलेक्शन हार गया और इलेक्शन हारते ही उसके बर्बादी के दिन शुरू हो गए। यार ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने मतलब के लिए दूसरों के ऊपर जादू टोना करते हैं। अरे यार बस कर यार, बंद कर ये सब बातें। गुड शॉट। मैं कहता था ना एक जबरदस्त बैट्समैन है ये। खेल तो अच्छा है। वापस कोर्ट में आ गया। एक्सलेंट। अब हो गया तुम्हारा काम तमाम हमेशा के लिए। अरे यहाँ तो बहुत खून निकल रहा है। क्या कर रहे हो तुम? मैं फुटो फुटो। मैं बहुत देर से तुम्हारी हरकतें देख रहा हूँ। हाँ क्या कर रहे थे तुम? मैं फोटोग्राफर हूँ। मेरी तो आपसे मुलाकात हो चुकी ना पहले। फोटोग्राफर? वहाँ एक व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गया है। अगर तुम प्रेस फोटोग्राफर होते तो इसमें उसका फोटोग्राफ ले रहे होते। चलो कुछ कर पा रहे। मुझे अपना बैग चेक करो। यार मेरा बैग कैसे चेक करो? मुझे बैग चेक करो। अरे यार कैसे? मुझे अपना बैग चेक करो। समझ में आ गया कि 3 दिनों से सुमित को क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? बैग में देखिए सर। बैग में?
ये गुड्डा तो सुमित जैसा है और इसके पेट में सुई भी है। क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सर यहाँ एक आदमी प्रेस फोटोग्राफर बनकर बैठा हुआ था, उस फोटो डॉल के जरिए सुमित को जख्मी कर रहा था, उसका खेल खराब कर रहा था ताकि आप उसे सिलेक्ट न कर सके। देखो मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता, मेरा मतलब जादू टोना और सुपर नेचुरल पर। सर मेरा यकीन कीजिए, इस डॉल में शक्ति है। अब खुद सोचिए, खेलते खेलते अचानक सुमित को क्या हो जाता था, और एक बॉल भी ठीक से नहीं खेल सका, उसका कारण सर ये वोटू डॉल ही है। मैं इस चीज को नहीं मानता, सुमित का प्रॉब्लम कुछ और ही था। ठीक है सर, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। इस कपड़े के टुकड़े को देखिए, जिस डॉल को बना हुआ है, अपने हाथ से बताऊंगा ये किसका है और कहां से आया। लेकिन सर इसके लिए हमें सुमित के रूम पर चलना पड़ेगा। मैं सुमित के कपड़े देख रहा हूं सर। मिल गया सर, सर देखिए सर ये कपड़ा यहां से कटा हुआ सर। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। तुम कहना क्या चाहते हो कि यहीं से काटा गया है। ये कपड़ा सुमित की टी-शर्ट का ही है। मेरा कहने का मतलब है कि ये सर, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा और लोगों से सुना है। ये एक प्रकार का जादू है, अफ्रीकन जादू, जिसे भी हम मानना चाहते हैं। उसके शक्ल की डॉल बनाई जाती है, फिर उसके कपड़े का टुकड़ा लेकर इस डॉल में लपेट दिया जाता है। जो कुछ भी हम इस डॉल के साथ करेंगे वही सब कुछ उस आदमी के साथ भी होगा। इसे वुडू कहते हैं। वुडू? तुम्हारा मतलब है अगर कोई आदमी मेरी शक्ल की गुड़िया बनाकर उस पर मेरी शर्ट का कपड़ा लपेट दे मुझे मार सकता है? नहीं, ये इतना आसान नहीं है। इसका भी अपना एक तरीका है और कुछ मंत्र होते हैं जिसके जरिए डॉल में शक्ति डाली जाती है। पूरी दुनिया में बहुत कम लोग इस विद्या को जानते हैं। डॉल शापित होती है। क्या हो रहा है मेरे रूम में? सुमित, पिछले तीन दिनों से जो कुछ तेरे साथ हो रहा था उसकी वजह मैंने ढूंढ निकाली है। क्या वजह? वुडू डॉल, इस बैग, उसके बाल तो बिल्कुल मेरे जैसे। ये तू ही है यार। अच्छा उस वक्त तेरे को क्या हो गया था जब तूने पेट पकड़ लिया था? आप खुद ही इस गुड़िया को हाथ में लेके देखिए और इसको किसी भी हिस्से को दबाइए, देखिए सुमित का क्या होता है। नहीं, इस गुड़िया को हाथ में लगा। ये ठीक है कि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं कुछ जांच नहीं लेना चाहता। हो सकता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए। आप कोशिश करके देखो। तुम ही करो। हाँ तुम ही करो। डर लग रहा है। आदमी का जो फोटोग्राफर का काम पर आया था।
शायद वही। चलो कहां से पूछते हैं। हाँ साहब, मैंने उसे अंदर जाने दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि वो एक पत्रकार है, इसीलिए। क्या तुमने उसका प्रेस कार्ड चेक किया था? नहीं साहब। देखो, इसके लिए मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। लेकिन साहब, उसने ये भी तो कहा था कि वो मोहन साहब का दोस्त है, इसीलिए मैंने उसे अंदर जाने दिया। मोहन का दोस्त? हाँ हाँ, याद आया। उस दिन जब पहली बार हमने उसे पकड़ा था, उस वक्त वो सुमित के किट बैग में से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि इतने में मोहन वहां आ गया, और उसने हमें उस फोटोग्राफर से कुछ ज्यादा पूछताछ भी नहीं करने दी कि वो कौन है और कहां से आया है। और हमेशा उसे नीचे दिखाने की कोशिश भी करता है। इसमें मोहन का हाथ हो। मेरे ख्याल से हमें मोहन से बात करनी चाहिए। क्या? ये क्या कह रहे हो? तुमने और तुम्हारे उस फोटोग्राफर दोस्त ने मिलकर सुमित पे वुडू किया है। इस बात पे तो गवाह है हमारे पास। देखिए सर, मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। मत बोलो झूठ, सबूत मिल गया है, इसलिए मैं तुम्हें इसी वक्त सस्पेंड करता हूँ। चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारा बैग जरूर चेक करूंगा। जाने तुमने और किसी वोडू डॉल उसने बना कर दी, हो सकता है मेरी हो या फिर मिस्टर शर्मा की हो। देखिए बैग मत खोलिए सर। एक मिनट, मोहन इसके अंदर कुछ ही नहीं है सर। मोहन सर सिर्फ बैठ है, अगर कुछ नहीं है तो देख लीजिए। एक मिनट, ये मेरा लेटर पर्सनल है, ये मेरा पर्सनल। सर देखिए मोहन, पर्सनल लेटर। शट अप मोहन। ये बात है सर। योर पर्सनल लेटर। प्यारे मोहन, अपने प्लान के मुताबिक मैंने वो डॉल तैयार कर ली। अब सिर्फ सुमित के किसी कपड़े का टुकड़ा चाहिए, वो मैं ग्राउंड पर आकर उसके बैग में से कमीज निकाल कर काट लूंगा। मैं तुम्हारा नाम लेकर मैदान के अंदर घुसाऊंगा। अब देखो, अब इतना हो जाने के बाद अपना वादा मत भूल जाना। जितना भी पैसा अब तुम कमाओगे, चाहे करोड़ों ही में क्यों ना हो, उसमें से आधे मेरे होंगे। समझे? आधे मेरे। तुम्हारा नीचे कोई नाम नहीं लिखा। कमीने, नेक्स्ट टीम का सिलेक्शन के लिए तू मुझे जान से मार देना चाहता था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कंट्रोल योरसेल्फ, और इस बात का फैसला मैनेजर साहब को करने दे। देखिए सर, ये सब गलत है सर। ये सर किसी की साजिश है मेरे खिलाफ, मैंने कुछ नहीं किया। बंद करो अपना ये नाटक। खेल खत्म हो चुका है, मैं तुम्हें अभी सस्पेंड करता हूँ। निकल जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ जाओ। मेरा सिलेक्शन? अब अपना सिलेक्शन इस मूवी डॉल से करवा। गेट आउट। देखिए सर, आप ठीक नहीं कर रहे सर। चले जाओ मोहन यहाँ से। सर मैं कहता हूँ जाओ। ठीक, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जाओ यहाँ से। ऑल द बेस्ट सर। वो मुझे फिर से मारने की कोशिश करेगा सर। सुमित, मुझे पहले ही शक था कि वो ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए पहले से ही मैंने इसे निकाल लिया था। तेरे की शर्ट का कपड़ा है, वो दो डाल काम नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तो छोड़िए, यहाँ तो मुझे टीम से ही सस्पेंड कर दिया गया, वो भी इस डॉल की वजह से। डॉल की वजह से? दिखाओ इधर। ये तो वुडू डॉल, तुम जानते हो ये कितनी खतरनाक हो सकती है। मुझे पता है, मैं इसका असर सुमित पर देख चुका हूँ। हाँ, उन लोगों ने मुझ पर यह इल्जाम लगाकर मुझे सस्पेंड करवा दिया कि इस डॉल के जरिए मैंने सुमित पर जादू करवाया ताकि उसका सिलेक्शन ना होकर मेरा हो जाए। वुडू के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया। मुझे पता लगाना है साजिश किसकी है।
इसमें तो कोई शक्ति ही नहीं है। इसमें कपड़ा बना हुआ। कपड़े से कुछ नहीं होता, इसमें शुरू से ही कोई जादुई शक्ति नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद इसका असर सुमित पर देखा है। अब समझ आ रहा है तुम्हें किसी ने जान पूछ कर अपना वादा दे यार, अभी 5 लाख रुपए और बाद में बाकी की कमाई का आधा। अच्छी तरह। अरे तुमने तो मेरी जिंदगी बना दी, अगर उस दिन तुम मेरे पास नहीं आए होते तो मुझे लगा कि पैसा कमाने का अच्छा अब मोहन तो फकड़ा भी तो ऐसे ना, मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारे पास चला। अकलमंद आदमी हो। हाँ ये तो सच है, लेकिन ये भी सच है कि मुझे वो तो कुछ नहीं आता, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने की आर्ट मुझे बहुत अच्छे तरीके से आती है। मानता हूँ इस बात को। अरे उस मैनेजर और शर्मा की हालत देखी थी, दोनों के चेहरे से हवाई उड़ गई थी। मुझे कुछ हिस्सा जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने उन लोगों को डराया था और मोहन के किट बैग में वो लेटर भी मैंने ही रखा था ना। अबे कीर्ति फिकर मत कर, तू मुझे भी माला माल कर दे। अरे मैं तो वैसे ही रईस बात कर रहा हूँ। हाँ उस साले मोहन को हमने खूब बेवकूफ कहीं का दे रहा हूँ। उन्होंने अच्छा नहीं किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा करियर तबाह कर दिया। नहीं नहीं, गोलू का भी मजाक उड़ाया है, उसका गलत इस्तेमाल किया। सुमित, सुमित को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कपड़े से कुछ नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ आदमी की जरूरत है जो इसमें शक्ति डाल सके, और वो आदमी करेंगे। हाँ पहले तो मैंने इनकार किया था, लेकिन सुमित को सबक सिखाने के लिए इसमें शब्द डालूंगा। गुड़िया में शक्ति दे, जादुई शक्ति भर दे इसमें। अब इस डॉल में वुडू शक्ति आ गई है, सलूक इसके साथ ये नेशनल टीम में मेरी जगह अपना सिलेक्शन करने के लिए है। क्या हुआ?
लेकिन बनकर बुजुर्गों का नाटक खत्म हो चुका है। मैं तुमसे नफरत करता हूँ सुमित, मगर इतना जालिम नहीं स्टार बनना है ना। हट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।